जो तो प्रेम खिलन का चाओ सर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजे सिर दीजे कान न कीजे। जमाने दा पैगंबर पैगंबरे हर दो आलम सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने लाडले प्यारे नादी पुत्र अमर जीवड़े अमर शहीद शहीद आजम बाबा दीप सिंह जी ओ उतारा कर रहे ने ते उस्ताद कौन है कलगी धर दशमेश पिता नाल कौन ने भाई साहब भाई मनीष सिंह जी। गुरु ग्रंथ साहब जी का उतारा हो रहा है बाबा दीप सिंह जी की अजीम कुर्बानिया जिचो सब तो वड्डी ते महान कुर्बानी यह है कि उन्होंने आप दे हत्था नाल चार गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का उतारा करके चारों तख्तों नूं दित्ते ते पंजवां अरबी जबान च उतारा किया ते उसनूं अरब पहुँचाया जिहड़ा अज बरकले यूनिवर्सिटी दे विच शशोधक हन ते उस लाइब्रेरी की रौनक बने हुए है। उस तो बाद एक उतारा और अरबी ब अरबी होया जिहड़ा दारुल उलूम देवबंद मुसलमाना दा देवबंद शहर दे विच सब तो वड्डा अरबी अदारा है उहदी लाइब्रेरी च शशोधक हन। जद बारी आई कि जे अगर प्रेम दा खेल खेलना है ते सिर तलीते धरना होगा आशिक नूं अकल धोखा दे गई कलम रोक लिया। बाबा दीप सिंह जी एक पल लई उन्हां नूं अकल धोखा दे गई है ये किवें हो सकता है कि भला बंदा आप दे सिर नूं तलीते धर ले उस तो बाद इश्क नगर विच जावे ए तो हो नहीं सकता। अजे मूहों कुछ नहीं आख्या है बस माड़ा जा कलम रुकाया है दिलां दियां जानदा है मेरा गोविंद। सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रोशन जमीर ने भाई साहब भाई नंद लाल जी फरमा रहे ने काशिफुल असरार गुरु गोविंद सिंह आलिमुल अस्तार गुरु गोविंद सिंह। दिलां दियां जानदे ने महाराज फरमान लग पे भाई ऐच कोई शक नहीं किसी तरह की किंतु की गुंजाइश नहीं कलम रोकन की लोड नहीं है ये सब कुछ तुसी ही करके विखाना है। तारीख साक्षी है इतिहास गवाए मौर्रखीन लिखते ने एक वेला आया जद अमर जीवड़े शहीद आजम बाबा दीप सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी नू इस तरह लोगों के सामने प्रगटाया कि जिमें गुरु महाराज जी का यह उपदेश अमली जामा पिरो के बाबा दीप सिंह जी विखा रहे ने कि सर तलीते आए ते इश्क नगर विच जा रहे ने। मैं आप जी नूं बेनती करदा हाँ कि सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का पूरा जीवन 42 साल का उठा के वेख लो 14 जंगा कीतियां शुरुआत नहीं कीती दंद खट्टे कीते ने दुश्मन दे लेकिन 2 जंगा सिखां वल्लों हुईयां एक बाबा अजीत सिंह वल्लों ते एक बाबा दीप सिंह जी वल्लों
जड़ियां जंगा की शुरुआत सिखां वल्लों हुई। बाबा अजीत सिंह वल्लों जिस जंग की शुरुआत हुई ओ सीगा गुलाम दासियां नूं ते माइयां नूं भैणां नूं मुगल जिन्हां नूं बंदी बना के लेके जा रहे सन। साडे गुरु साहब जी दे लाडले लखते जिगर नूरे नजर बाबा अजीत सिंह जी ने उन्हां तों मुगलां तों आजाद कराया उन्हां नूं। ते दूसरी जंग हुण नादी पुत्तर ने कीती है कि जद अहमद शाह अब्दाली का पुत्र तैमूर सरोवर नूं पूर के जान लग पिया है उसनूं राह च ललकार के रोकिया कहिंदे गुस्ताखा किथे जांदा है तू हरमंदर साहब की बेअदबी करके और उहदे नाल दो दो हथ कीते। गुरसिख वीरो बाबा जी की उम्र किन्नी है उस वेले 75 साल 8 महीने 19 दिन दी। हुण 75 साल के जिहड़े बजुर्ग साढ़े इत्थे बैठे हुए ने उन्हां तो उठाया नहीं जा सकता लेकिन कुरबान जाओ बाबा दीप सिंह जी दे उत्ते 75 साल 8 महीने 19 दिन की उम्र है ते ललकारिया है ते मुकाबला किया है 28 साल के जमाल खान के नाल। जमाल खान मुगल फौज का सब तो कामयाब सिपाही है सपे सालार है लेकिन बाबा जी ने उसनू छड़िया नहीं हलाक किया है।